हैं, गंदा पानी आता है, इंसान पिएगा कहाँ से ये बताओ, इंसान क्या करेगा। अब यहाँ के नेता ऐसे कितनी बात शिकायत करती, कोई नेता वो सुनता ही नहीं है। दिक्कत है, पिया नहीं जाता, 10 रुपए की जो बोतल आती है ना वो मंगा मंगा के पीते हैं। आदि नहीं लेता, आज तक हमारी जमीन 40-45 साल हो गए, जमीन अलॉटमेंट नहीं हुई, पानी देखे तो पानी गटर का पानी आ रहा है। बातचीत करते हैं, यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह की यहाँ सुविधाएं हैं और किस तरह की असुविधाएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सायरा जी। किस तरह की यहाँ आपके दिक्कतें हैं और किस तरह की आपको सुविधाएं मिल रही? ये इधर से नल है, गंदा पानी आता है, इंसान पिएगा कहाँ से ये बताओ, इन नल की अच्छे करो ना, ऐसा आता है कि गटर कैसे बदबूसी, पीला पानी आता है, इंसान क्या करेगा। अब यहाँ के नेता ऐसे कितनी बात शिकायत करती, कोई नेता वो सुनता ही नहीं है यहाँ के, देखो मुखबर भी नहीं सुनते यहाँ के। आपने आपने इनसे बातचीत की, शिकायत की है इनसे? कितनी बार कर दी हमने शिकायत तो क्या कहते हैं आपको? आश्वासन क्या देते हैं, कहते क्या है? दे आगे शिकायत करेंगे, आगे से अभी तक तो वो आई नहीं सही करने के लिए। भैया कितने दिन हो गए गंदा पानी पीते हुए? अरे बहुत दिन हो गए, 10-12 साल से ज्यादा हो गए भैया, जब से शादी होके आए ना जब से यही पी रहे पानी। और बिजली की व्यवस्था कैसी है? बिजली तो सही है भैया, बिजली ठीक है, साफ सफाई रोड जैसे साफ सफाई तो रोज होती है भैया। संडे की दुनिया तो, संडे की तो छुट्टी सभी करते हैं, अपन भी करते हैं, तुम भी करते हैं, वैसे साफ सफाई सही है, कचरे वाले भी हैं, बस नाले साफ नहीं होते यहाँ पे, ये बात है। तो जो जो गंदे पानी से किस तरह की कोई बीमारियां होती हैं, बच्चे बीमार होते हैं? हो जाते हैं भैया, देखो हो जाते, खुजली भी हो जाती है, बीमारी भी हो जाती है, इतना गंदा पानी आता है कि पूछो मत, कहाँ तक शिकायत करेंगे, कोई आता ही नहीं है सही करने के लिए, तो इंसान कहाँ तक करेगा। दोबारा विधानसभा चुनाव है तो फिर वोट मांगने के लिए आएंगे लोग? उनको नहीं देंगे वोट, जब तक सफाई नहीं करेंगे हम वोट नहीं देंगे, पानी की साफ नहीं आया, ये सोच लो। आप कैमरे पे कह दो उनको, जिनको वोट देना है कौन वोट मांगने आ सकता है? कोई खड़ा होएगा ना वो आएगा, उनसे कह देंगे क्या करें। किसे वोट दोगे? वही देते हैं जिसको देते हैं, कांग्रेस को देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसीना बानो। किस तरह की यहाँ असुविधाएं हैं, किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं? मेरा तो सिर्फ पानी की दिक्कत है और कुछ भी दिक्कत नहीं है, और तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ पानी गंदा आता है और कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कितने दिनों से इस तरह की समस्या है? 3-4 साल हो गए गंदा पानी आता है, और हमने शिकायत भी कर दी, मैडम भी आती थी उनसे भी बोल दिया, सब कुछ बोल दिया, पर वो पानी की सुविधा हो ही नहीं है, गंदा ही पानी आता है इसमें। इस गंदे पानी से दिक्कतें किस किस तरह की आती है? दिक्कतें पिया नहीं जाता, 10 रुपए की जो बोतल आती है ना वो मंगा मंगा के पीते हैं हम, दिन में कम से कम 60-70 की बोतल आ जाती है, और 3 मेंबर है हम घर में पीने वाले, अब देखो 3 मेंबर कितनी बोतल आ जाती है, इतनी बोतल इकट्ठी हो रही है पी पी के पानी, क्यों गंदा पानी पिया जाता है, बीमारी होती है, इससे बीमार हुए हैं इलाके के? हाँ, बीमार, पेट में दर्द हो जाता है, हमारे 2-4 घरों में गंदा पानी आता है, बाकी और कुछ सही आता है, हमारे इनके मेरे उधर उनके गंदा पानी आता है पूरा। तो आपने कभी इसकी शिकायत की नेताओं को बताया? नेताओं को क्या है, मैडम आती थी ये वो लिखने के लिए, उनको बताया था, मैडम ने शिकायत भी पूछा ही आगे, पानी वानी भर के भी दिया, पर उन्होंने कोई बाद में कुछ भी नहीं करा, उन्होंने कोई वो नहीं करा। आपकी सुनाई नहीं करी तो इस बार दोबारा वोट मांगने के लिए आपके बीच आ रहे हैं लोग, क्या कहेंगे उनको? अब देखो जब वोट मांग रहे हैं मेले में रहे हैं, तो जो सभी तो वो तो देना पड़ेगा वोट, तो नहीं वोट तो देना पड़ेगा, उनको भी तो काम करना पड़ेगा। हाँ उनको भी तो करना पड़ेगा, तो पहले यही करेंगे, पहले इस बात का वो करेंगे भाई ये काम होना चाहिए, जब भी वोट देंगे हम भी, हाँ वोट तो जब ही देंगे ना भाई, हम क्या गंदा पानी पीते रहे क्या, जब भी वोट तो जब ही मिलेगा, हो जाते हैं सबकी किस्मत भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, हाथ जोड़ के भी वोट मारते हैं, हम जी काम करवाते हैं, और जब वोट निकल जाते हैं ना तो कुछ भी काम नहीं होता, वोट निकलने के बाद में ना कोई समाधि नहीं लेता, आज तक हमारी जमीन 40-45 साल हो गए, जमीन अलॉटमेंट नहीं हुई, पानी देखे तो पानी गटर का पानी आ रहा है दोनों टाइम, सुबह भी शाम भी, कोई तपस्या नहीं करता इधर आके, बस अपने मतलब के मारे आते हैं इधर,
मैडम आई थी अपन ये तो लिखवाया था मैडम से, उनने आज तक ही नहीं लिख दिया कुछ करके। दोबारा वोट मांगने के लिए आपके बीच में आ रहे हैं वो लोग, क्या कहेंगे उनको? उनको हम तो यही कहेंगे कि हमारे पानी की लेन साफ करो और इन्हें ये अपने अलॉटमेंट दोगे तो वोट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, साफ क्लियर कहना। बाकी और कोई समस्या है आपको? समस्या और कुछ भी नहीं है हमारे लिए, नाली सफाई होनी चाहिए नालियों की। तो ये थे हमारे साथ यहाँ की स्थानीय महिलाएं, जिन्होंने बताया कि यहाँ गंदे पानी की समस्या है जिसका अभी तक निजात नहीं हो पाया है। पहले उस गंदे पानी की समस्या से निजात दिलाएं, उसके बाद जो नेता हैं यहाँ वोट मांगने के लिए आएं। और भी खास और भी लोगों से बातचीत आपकी कराएंगे और जानेंगे कि विधानसभा चुनाव में किस तरह के मुद्दे, नए नए मुद्दे। और आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी इंडिया, चुनावी यात्रा में हम पहुँचे हैं आदर्श नगर में। यहाँ किस तरह के विकास कार्य हुए हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो आप तक पहुँचाएंगे। यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर यहाँ के विधायक का रिपोर्ट कार्ड कैसा है, लोग संतुष्ट हैं या नहीं। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम अब्दुल कादिर है। अब्दुल जी, किस तरह का यहाँ विकास हुआ है, क्या ग्राउंड पर काम किया गया है? देखिए विकास तो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त है, हम हमारी कॉलोनी की कह सकते हैं और कॉलोनी की नहीं कह सकते, हमारे यहाँ पर विकास में कोई कमी नहीं आई है। हमें सड़कें चाहिए, सड़कें आप देख सकते हो, हमें लाइट चाहिए हर, आप देख सकते हो सब खंभों में LED लगी हुई है। हमें पानी चाहिए तो हमारे लिए बोरिंग की सुविधा है गई और नल हमारे 2 टाइम आता है, हमें विकास से तो कोई दिक्कत नहीं। और मैं कहता हूँ कि आज मेरी उम्र 40-42 साल की हो गई, मगर विकास में अभी तक कोई, अभी तक जो हमारे क्षेत्र के अंदर जो रफ़ीक खान साहब आए इनसे अच्छा विकास शायद ही अभी तक किसी ने करा हो। और भी आए MLA वगैरह, मगर आज तक मेरे हिसाब से कोई ऐसा मुझे लगा नहीं, क्योंकि इनमें ये क्वालिटी है हमारे अंदर, बीच में हमारे घर शादी ब्याह हो या मौत मैयत हो या ऐसा कोई सा भी काम हो, ये फ़ौरन आके खड़े हो जाते हैं, कुछ हाजिर हो जाते वो। क्या नाम है आपका? मेरा सर उस्मान भाई है। उस्मान जी, लगातार कांग्रेस के चुनावी दौर चल रहा है, कांग्रेस BJP अपने अपने दाव आजमा रही है, तो इस समय आपका जो विधायक है उसे कितने नंबर देना चाहेंगे, उसका विकास कार्य किस तरह का रहा आपके क्षेत्र में? हमारे तो 100 में 100 नंबर मिलने चाहिए, अच्छा विकास है, अच्छा विकास हो रहा है, काम चल रहा है बढ़िया, और पार्षद भी सही है हमारा, ठीक ठाक चल रहा है काम, बिजली पानी रोड सड़कें ये हमारा कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। क्या लगता है कि विधायक वापसी जीतने की उम्मीद है? देखो ये जनता के हाथ में है, अपन तो अपना जो विकास का काम हो रहा है ना, जहाँ विकास हो रहा है वो जनता जाने क्या करना है क्या नहीं करना है। अज्जू खान, अज्जू जी, किस तरह के विकास कार्य आपके क्षेत्र में हुए, जिन उम्मीदों को लेकर आपने वोट दिया था क्या उम्मीदें पूरी हुई? नहीं बिल्कुल हुई, हाँ पूरी उम्मीदें हुई, और अस्पताल भी खुला है, शादी ब्याह का यहाँ जो फंक्शन होता है वो भी उन्होंने विकास किया है, रोडों का भी विकास किया है, नालियों का भी, और लाइटें भी पहले जाती थी तो अब लाइटें नहीं जाती, अच्छा विकास हुआ हमारे यहाँ मेले के अंदर। क्या नाम है आपका? रशीद। किस तरह का काम हुआ है, किस तरह का यहाँ काम हुआ है? सही हो रहा है काम। विधायक विधायक को 10 में से कितने नंबर देंगे आप? सारे दे देंगे नंबर दो। बिजली पानी सड़क रोड सब? हाँ सब कुछ है। तो यहाँ हम लोगों ने जाना कि किस तरह का विधायक द्वारा काम किया गया था और किस तरह के विकास कार्य जो यहाँ हुए हैं, उन विकास कार्यों को लेकर चर्चा की चुनावी यात्रा में। और भी दूसरे जगह का दौरा किया जाएगा और विधायक के रिपोर्ट कार्ड लिया जाएगा।